वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप, कोलकाता। इन एसोसिएशन विद श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज, कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप, मुंबई। जैन रत्न सीजन 3 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी, आगरा। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझड़ी, दीमापुर। श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री धन्नालाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले, कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप, कोलकाता। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी, कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़, कोलकाता। श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी है धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते है जिंदगी के हर एक दाम। जाने जमाना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, आप लगातार जैन रत्न सीजन 3 के माध्यम से हमारे जैन रत्नों से मिल रहे हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों हम समाज के कुछ व्यक्तियों को जैन रत्न कहते हैं? क्या खास बात है उनमें कि वह एक रत्न कहलाते हैं? तो कारण यह है कि यह सारे व्यक्ति अपने अपने रूप में, अपने अपने तरीके से समाज की ओर अपना एक योगदान देते हैं। कुछ तो इनमें से हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं, कुछ सामाजिक कार्य करके लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ा रहे हैं, कुछ अपने बल पे जितना हो सके लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर चाहे वह उनके 100 रुपए की कमाई से 50 रुपए की चाय पिलाना ही क्यों ना हो। कुछ कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि शायद भगवान ने उनके साथ कुछ अनहोनी घटना की हो, उसे वह दरकिनार करके पूरी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं।
तो यह वही व्यक्ति हैं जो एक रत्न कहलाते हैं और हमारे वह जैन रत्न है। तो आज के इस एपिसोड में जिन जैन रत्नों से आप मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार हैं। नरेंद्र श्री श्रीमाल चेन्नई, मात्र 150 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी दवा दुकान से कुछ रुपए से व्यवसाय शुरू किया। आज पूरे देश में इनका अरबों का व्यवसाय, अनेक सामाजिक एवं धार्मिक कार्य कर रहे हैं। संदीप जैन जयपुर, जी बिजनेस टीवी चैनल पर रोजाना जैन साहब के जेम्स के अंतर्गत शेयर मार्केट पर अपनी सटीक राय देने वाले देश के प्रसिद्ध सलाहकार। धर्मेंद्र जैन भोपाल, जिन्होंने बचपन में संघर्ष देखा, जिनके परिवार में किसी ने उच्च शिक्षा हासिल नहीं की, पर अपनी मेहनत और लगन से IAS बनकर देश को अपनी महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं। सृष्टि जैन बैंगलोर, एक अनोखा स्टार्टअप शुरू करने वाली कम उम्र की शिक्षित महिला, जो खेल के क्षेत्र में अंपायर, रेफरी, कमेंटेटर आदि की कोचिंग देकर इन क्षेत्रों में युवाओं को प्रेरित कर रही है। नमस्कार, जय जैन दोस्तों। चेन्नई में आज जैन रत्न में जिस व्यक्ति को हमने शामिल किया है, 15 साल की उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ गया। संघर्ष की स्थिति में थे, पर अपनी लगन से जैन समाज का ये व्यक्ति आज भारत की दवा विक्रेताओं में बहुत ऊंचे स्थान पर आता है। और उस व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र श्री श्रीमाल चेन्नई। नरेंद्र जी, आपका जैन रत्न में स्वागत है। जय जिनेंद्र। बहुत छोटी सी दुकान से आपने काम शुरू किया था, तो क्या थी वो घटनाएं? हमारा एक परिवार है, 5 बहनें 2 भाई। तो 5-6 बहनें बड़ी हैं, उसके बाद हम 2 भाई हैं। हमारी एक छोटी सी फार्मा की केमिस्ट की दुकान थी, 150 स्क्वायर फीट की। फादर एकदम कम एज में गुजर गए। हमारे सिर्फ एक ही सिस्टर की मैरिज हुई थी, 4 एल्डर सिस्टर्स की मैरिज होनी बाकी थी। तो एक साथ घर की जिम्मेदारी, बिजनेस की जिम्मेदारी सब आ गई। बट हमारी मदर बहुत स्ट्रांग थी, मदर वॉज एन इंस्पिरेशन। तो हमने पार्ट टाइम स्टडीज भी कंटिन्यू किया और दुकान को भी चलाया। फिर हमने धीरे धीरे उस दुकान को रिटेल से होलसेल में तब्दील कर दिया। 88-89 के अंदर मेडिसेल्स ग्रुप का जन्म हुआ। पहले हमारी दुकान का नाम हुआ करता था रेणुका मेडिकल्स। हमने 89 में मेडिसेल्स खोला, जो मेरी सोल प्रोप्रेटरशिप तनसन थी। फिर धीरे 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 वो बढ़ती गई और आज पूरे देश में हम करीब करीब 3,000 करोड़ का धंधा करते हैं और 3,000 से ज़्यादा हमारे पास एम्प्लॉयज हैं। नरेंद्र जी, आप समाज के लिए आपके द्वारा क्या क्या काम किए गए? शुरू से सोशल वर्क में जुड़ा हूँ, फ्रॉम द एज ऑफ 18। मैं उस टाइम भी एक क्लब का प्रेसिडेंट था और हम बुक बैंक चलाते थे। आज की तारीख में हमारा एक पूरा फ्लोर शंकर नेत्रालय को दिया हुआ है। फादर के नाम से एक डायलिसिस सेंटर चलता है, फादर के नाम से एक फार्मेसी चलती है। हमने एक धर्मशाला बनाई पिपराल के अंदर, एक गांव जिससे हमारा कोई परिचय नहीं, हमारा कोई लिंक दूर दूर तक उस गांव से नहीं है। जब एक बार हम आचार्य भगवान श्री जैन सेन सुरेश्वर जी के पास बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि उस गांव के अंदर करीब करीब 70-80 परिवार जैन परिवार है, बट उनके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो खुद का एक मंदिर बना सकें। गांव की एक छोटी जमीन है, बट आप उसमें योगदान करके मंदिर बना देंगे तो रोज जो 80 लोग पूजा करेंगे, उस पूजा का पुण्य आपको मिलेगा। तो हमने वहाँ पे 2-2.5 करोड़ रुपया खर्चा करके पूरा मंदिर का निर्माण अपने पैसे से किया और गांव को सुपुत कर दिया। वो गांव है बाबरा, पिपराल एक तीर्थ है जहाँ पे हमने पूरी एक धर्मशाला बनाई। वैसे एक मोदरा तीर्थ है जो राजस्थान में जालौर के पास है, वहाँ एक बहुत भव्य 68 अक्षर का जिनालय बन रहा है। वहाँ पे करीब करीब 40 रूम की एक धर्मशाला हमारी ओर से पूरी की पूरी 40,000 स्क्वायर फीट की पूरी धर्मशाला का निर्माण हमारी तरफ से हो रहा है। हम हर साल मम्मी के नाम से एक स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट चलाते हैं, कमला देवी श्री श्रीमाल गर्ल एजुकेटिंग चाइल्ड प्रोजेक्ट। ये रोटरी क्लब के साथ टाई अप है, जिसके अंदर हर साल 2,000 बच्चियों का हम फीस भरते हैं। आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिसके द्वारा सहयोग से उन संस्थाओं के द्वारा काम किए जाते हैं?
राजस्थानी एसोसिएशन, तमिलनाडु का अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, करीब 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं RYA कॉस्मो का करीब 25 साल से सदस्य हूँ, 28 साल से चार्टर सदस्य हूँ। जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जीतो से शुरू से चैप्टर से मेंबर हूँ, चार्टर मेंबर, और 2017-2018 के अंदर उसका चेयरमैन रहा हूँ चेन्नई का। जीतो का मैं GATF का ट्रस्टी हूँ, जीतो का श्रमण आरोग्यम का ट्रस्टी हूँ। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, उनमें से आप हमें बताएं कुछ विशेष पुरस्कारों के बारे में। हमें देश के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा फार्मा ट्रेड एक्सेलेंस का अवार्ड मिला। यहाँ का राजस्थानी समाज ने हमको युवा रत्न से सम्मानित किया, फिर उन्होंने राजस्थान श्री से भी नवाजा 2 साल पहले। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमको इमर्जिंग आइकॉन ऑफ चेन्नई का अवार्ड दिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिर 2 साल बाद हमको बिजनेस टाइकून ऑफ तमिलनाडु का अवार्ड दिया, इंडियन लीडरशिप अवार्ड। बहुत सारे फार्मा से हमको अवार्ड मिले हुए हैं, ऑल इंडिया टॉप सेलर्स, टॉप बिजनेस अवार्ड्स। तो यहाँ का साउथ इंडिया राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिरकी। मेरी आपसे ये आग्रह है, विनती है कि आप अपने नाम के साथ नरेंद्र श्री श्रीमाल जैन लिखेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है, हम तो जैन नरेंद्र श्री श्रीमाल ही लिखना चाहेंगे, जैन को पीछे नहीं रखते हुए जैन को पहला रखेंगे। नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैन रत्न के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका आभार, धन्यवाद। जय जैन, जय जैन। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन इस समय जयपुर में हूँ, और इसी जयपुर से आज हमने एक ऐसे जैन रत्न को चुना है और जिनकी बात पे इतना भरोसा है कि लोग लाखों करोड़ों रुपए की व्यापार कर लेते हैं, और इनकी कंपनी भारत की प्रतिष्ठित शेयर ब्रोकरेज कंपनी में से एक आती है, ट्रेड स्विफ्ट कंपनी के ये को फाउंडर है, और जिन्हें रोजाना हम और आप लाइव जी बिजनेस पे देखते हैं, जैन साहब के जेम्स कार्यक्रम के अंतर्गत, और वो हैं श्री संदीप जैन। संदीप जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। आप इस व्यवसाय से कब जुड़े, कैसे जुड़े? 1998 में जब मैं मेरा MBA कंप्लीट किया, MBA इन फाइनेंस, तब मुझे एक मौका मिला रमेश दमानी जी के अंडर में 2 महीना इंटर्नशिप ट्रेनिंग लेने का। तो वहां बहुत कुछ सीखा स्टॉक मार्केट के लिए, और शेयर मार्केट में 2003 से लेकर 2007 तक कमोडिटीज से जर्नी स्टार्ट की। फिर 2008-09 में हम लोग शेयर मार्केट में फिर आए, 2012 से रिसर्च पे बहुत जबरदस्त फोकस किया, और 2012 से लेकर 16 तक रिसर्च पे इतना फोकस किया कि पूरे रिसर्च बेस्ड ब्रोकिंग हाउस हमने खड़ी कर दी, और आज हमारे करीब 40-50 हज़ार क्लाइंट्स है इंडिया में, करीब 150 से 200 सिटीज में हमारी फ्रेंचाइजीज और ऑफिसेज है। जैन साहब, मैंने कई बार देखा कि आप जिस स्टॉक के बारे में कहते हैं उसमें घटबट इंस्टेंट दिखने लग जाती है, तो ये जादू है या आप लोगों का अध्ययन है जो आप बताते हैं, क्या है? नहीं, जादू तो नहीं है सर्टनली, बट ये रिसर्च है। क्या होता है कि हम लोग स्टॉक्स के फंडामेंटल्स पे बहुत स्टडी करते हैं। मैं स्टॉक्स जब चुन के लाता हूं, तो जैसे हम हमारे होता है ना बेटी के लिए जवाई चुनते हैं, तो वैसे मैं स्टॉक्स को चुनता हूं। मैं सोचता हूं कि उसकी पूरी पेडिग्री देखी जाए, उसके फंडामेंटल्स देखे जाए, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाए, चैनल चेक करते हैं, हम डीलर से भी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी। इस तरीके का एक हमने हमारी लिस्ट बना रखी है कि ये फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक्स है। फिर हम देखते हैं कि इनकी टाइमिंग, कौन से स्टॉक को कब लेना। हो सकता है कि एक स्टॉक 500 रुपया था भाव, मार्केट की मंदी के साथ 300 रुपए आया, बट 300 पे ये बेस बना लिया, तो उस टाइम पर उस स्टॉक को ढूंढ के लाके देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और जब वो प्रेजेंट करते हैं तो लोगों को भरोसा जाता है, अच्छा स्टॉक तो अच्छा है और भाव भी अच्छा है, तो उस टाइम पे लोग लेने के लिए आ जाते हैं। आप तो सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है, आपके कितने फॉलोअर्स? ट्विटर पे मैं काफी एक्टिव हूँ, मेरे उसमें 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। फिर लिंक्डइन पे भी मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, फेसबुक पे भी एक्टिव है। कुछ ऐसे शेयर्स के नाम बताएं, ऐसी कंपनी बताएं जिन पे वो इन्वेस्ट करके, जैसे सोना में इन्वेस्ट करते हैं, वो निश्चिंत हो जाए। देखिए, ये सवाल को मैं अलग तरीके से लूंगा, और ये सवाल बहुत अच्छा है, बट आपने शेयर्स पूछा, बट मैं बोलूंगा कि मैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा, जो कि मैं इतने सालों में जो सीखा हूं। लोग बाग सोचते हैं कि सिर्फ शेयर्स लेने से काम पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैं
चार पांच मंत्र है जो मैं सबको देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ही। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट के पहले हमें हमारी रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए, जिसमें इंश्योरेंस टर्म प्लान लेना सबसे अनिवार्य चीज है, क्योंकि टर्म प्लान अगर नहीं लिए और कल को कुछ हो जाए तो एटलीस्ट फैमिली के लिए टर्म प्लान के पैसे से सेफ्टी हो जाती है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इसलिए लेना जरूरी है, वो भी बड़ा, ये नहीं कि नॉर्मल आप छोटा इंश्योरेंस प्लान ले लो, ये दो। तीसरा वो लेना हमें म्यूचुअल फंड्स। जब हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आते हैं तो स्टॉक मार्केट में कई बार हम समय नहीं दे पाते हैं या गलत स्टॉक में घुस जाते हैं, पैसे लग जाते हैं, तो जब एक्सपर्ट्स लोग काम कर ही रहे हैं, बहुत छोटा खर्चा लेके काम कर रहे हैं, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में आना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स एंड ETF। अब इसके बाद अगर आपके पास पैसा बच जाए तो आप स्टॉक मार्केट में आइए। और एक मैं दो शब्द और बोलूंगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसी चीज है, आप भाड़े की इनकम करने के लिए आप रियल एस्टेट खरीदते हैं, यहां पे ऑलरेडी म्यूचुअल फंड बना हुआ है रियल एस्टेट की, जो जिनमें भाड़ा आता है उनको पूल करके एक ट्रस्ट बना दिया जाता है, उसके आप शेयर्स खरीद सकते हो। अब पांच स्टॉक जो है वो मैं फाइनली बता देता हूं, तो वो है ITC, हालांकि अब तो चल भी गया थोड़ा और चलेगा मुझे ऐसा लगता है, तो ITC, TCS। TCS देखिए, जिन्होंने 4500 रुपए में बायबैक किया उनका शेयर आज अच्छा खासा वहां से नीचे आया हुआ है, तो इस स्टॉक को लेना चाहिए। इंफोसिस, TCS, इंफोसिस IT वाले स्टॉक्स हो गए, ITC हो गया आपके FMCG वाला। अब फार्मा में आना है तो मैं बोलूंगा कि फाइजर लीजिए, एबॉट लीजिए, जो MNC फार्मा कंपनीज है, तो ऐसे करके कुछ स्टॉक्स है। और कुछ अगर आप और एग्रीकल्चरल एग्री इनपुट्स, क्योंकि भारत एग्री इनपुट्स वाली कंट्री है, तो वहां पे मैं PI इंडस्ट्रीज बोल के एक स्टॉक, फिर एक एस्टेक लाइफ साइंस। लिस्ट इज लॉन्ग बट यस, दीज आर सम स्टॉक्स विच आई हैव रेकमेंडेड। संदीप जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, इसका हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इस शो में शामिल किए, मेरे लिए भी गौरव की बात है। आपने मुझे रत्न समझा और जैन रत्न समझा, और वाह जिंदगी जैसा एक पॉपुलर प्रोग्राम, जो कि मुझे लगता है कि भारत के, मैंने भी आपसे शायद पूछा था तो आपने करीब सिर्फ 90 लोगों को अभी तक यहाँ पे लाए हैं, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं 91st इंसान हूँ या टॉप 100 में आ गया हूँ आपकी लिस्ट में। सो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन टू यू एंड वाह जिंदगी। थैंक यू, जय जय। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, पर कहीं जाइएगा मत, यहीं बैठ के आप पूरे ब्रेक को भी देखिएगा, कि क्योंकि ब्रेक के एक हिस्से में हम देखेंगे जैन रत्न के बारे में और वह जिंदगी की इस मुहिम के बारे में। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1 और 2 के बाद अब सीजन 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्य टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4,00,000 किलोमीटर का सफर तय किया। जैन रत्न प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8:40 पर प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित होता है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग
और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है जो लोगों को नव जीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जी और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहां तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के कई सीजन अभी आने बाकी हैं। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 सालों में 375 TV एपिसोड्स का निर्माण किया,
वहीं 1200 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जैन रत्न, एक दिन गुरुदेव के साथ, आत्मकथा, संरक्षण। अगर आप भी इन विषयों पर फिल्म बनाकर आदिनाथ टीवी के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबीता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे और जैन रत्नों से मिलते हैं। नमस्कार, जय जिनेन दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन अभी भोपाल में हूं और मैं आज ऐसे ही एक शख्स से आपका परिचय करा रहा हूं जिन्होंने घोर गरीबी देखी, संघर्ष देखा, अशिक्षा के माहौल में जिनका जन्म हुआ, पर अपनी मेहनत, अपनी लगन के बल पर उच्च शिक्षा हासिल कर IAS बने और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के निजी सचिव के रूप में वो अपनी सेवा दे रहे हैं और उनका नाम है धर्णेंद्र जैन। धर्णेन्द्र जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सरावगी जी। क्या था बचपन और कैसे आप आज यहाँ तक पहुँचे? मेरा जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्रांत के बहुत ही एक पिछड़ा हुआ एरिया है, टीकमगढ़ जिला, वहाँ का एक बड़ा गांव धसान करके एक गांव है, वहाँ मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। मेरी 7 बहनें हैं और मेरा कोई भाई नहीं है। मैं 7 बहनों में अकेला भाई होते हुए अपनी शिक्षा पर मैंने ध्यान दिया और अपनी स्कूली शिक्षा जो गांव का सरकारी स्कूल है वहां से ली। उस समय हायर सेकेंडरी होती थी, 11th तक के स्कूली एजुकेशन होती थी। इसके बाद मैंने इस कॉलेज की पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से अपना VE इन सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया है। इसके बाद मैंने MACT भोपाल, जो यहाँ पर आजकल उसका नाम MANET है, वहाँ से MTech इन फाउंडेशन इंजीनियरिंग मैंने किया। इसके बाद जैसे भी आगे बढ़ते गए, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था, तो मैंने सबसे पहले एक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक व्याख्याता की परीक्षा होती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो मैंने दी और उसमें मेरा चयन हुआ और मैंने एज ए व्याख्याता जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब लगभग 1.5 साल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को एज ए अध्यापन कार्य किया। इसके बाद मैंने एक भारतीय इंजीनियरिंग सेवा होती है, उसको IES बोलते हैं, उसमें मैंने अपियर हुआ और उसके बाद उसको भी निकाला और मेरी पोस्टें के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसको CPWD बोलते हैं, उसमें मैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में नई दिल्ली, जो इसका हेड ऑफिस है निर्माण भवन, वहाँ मेरी पदस्थापना रही। स्टेट की राज्य प्रशासनिक सेवा होती है, तो मैंने उस राज्य प्रशासनिक सेवा में ट्राई किया, तो एज ए डिप्टी कलेक्टर मेरा चयन हुआ और मेरी पदस्थापना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुई। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। आप जैन हैं, कैसा महसूस करते हैं, धर्म के प्रति आपका कितना झुकाव है? ये तो आपको मालूम ही होगा कि जैन धर्म का सबसे अधिक जो भी प्रादुर्भाव है वो एक बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। हमारे जितने भी मुनि आचार्य हैं उनकी चर्या जितनी उत्कृष्ट बुंदेलखंड में होती है उतनी मैं समझता हूँ कहीं नहीं होती है। तो शुरू से ही मैंने बचपन से ही कई आचार्यों के, कई मुनियों का सहयोग मिला और उनका सानिध्य मिला। हमेशा बुंदेलखंड में आचार्य श्री की कर्म भूमि भी आपको मालूम होगी बुंदेलखंड ही रही, और बहुत करीब से मैंने आचार्य श्री का आशीर्वाद पाया है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ भोपाल में भी अनुशासन नाम की एक संस्था चल रही है, जिसमें भी काफ़ी जैन बच्चों को हम लोग मार्गदर्शन देते हैं, ताकि वो भी आगे आने के समय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर हमारे समाज की, हमारे धर्म की सेवा करें। आपको अनेक पुरस्कार मिले होंगे, अनेक जगह सम्मानित किया गया होगा, ऐसे कोई विशेष पुरस्कार? कई शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, राज्यपाल जी महोदय द्वारा कई पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे वो वोटर डे से संबंधित कार्यक्रम हो, चाहे वो राजस्व वसूली का कार्यक्रम हो, चाहे वो राजस्व प्रकरणों के निराकरण संबंधित हो, तो करीब करीब हर जगह सभी उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार किया गया है। सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी कई पुरस्कार मिले हुए हैं। धर्णेन्द्र जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा ये जो जैन
रत्न हैं जो कि किसी भी फील्ड में, चाहे सामाजिक फील्ड लो, चाहे प्रशासनिक फील्ड लो, चाहे आपका राजनीतिक फील्ड लो, इसमें जो भी एक प्रतिभाएं बड़ी हैं उनको आप पे दिखाकर निश्चित रूप से दूसरे आने वाले लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेगी और इनको देखकर निश्चित ही हमारी अगली पीढ़ी मोटिवेट होगी और वो भी हमसे बढ़कर एक से एक फील्ड में आगे जाके हमसे भी अच्छा नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने धर्म का, अपने देश का, अपने प्रदेश का। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस सराहनीय कार्य के लिए, आपके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस तरह से और उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें और हमारे समाज के जो भी पिछड़े लोग हैं उनको आगे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन आपका स्वागत कर रहा हूँ। क्रिकेट में एम्पायर बनना, फुटबॉल में रेफरी बनना, कमेंट्रेटर बनना, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं और इस क्षेत्र में एक स्टार्टअप शुरू किया है बंगलोर की सृष्टि जैन ने। सृष्टि, तुम्हारा जैन रत्न में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद सर। मेरे लिए जैन रत्न में शामिल होना सीजन 3 में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। बचपन में क्या शिक्षा तुमने हासिल की? सर, मैं राजस्थान के एक छोटे से टाउन लाडनू से बिलोंग करती हूँ। 10th में मैंने राजस्थान बोर्ड में टॉप किया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम था और उसके बाद में मैंने 12th में फिर से स्कूल टॉप किया एंड देन कॉलेज में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से आके मैंने फाइनेंस में MBA किया और मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी मेरी फाइनेंस की कॉलेज में भी। क्या तुम बच्चों को ट्रेन करती हो इस को लर्न के द्वारा? सर, हम कहते हैं कि हर किसी बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट नहीं बनना। हर इंसान का अपना एक पैशन होता है जिसे वो फुल टाइम प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहता है। लेकिन एक माइंडलर और लिंक्डइन ने एक सर्वे किया था इन 2019 कि आज 93% ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया को ओनली 7 करियर चॉइसेस के बारे में पता है। देर आर 7,000 अदर करियर चॉइसेस जिसके बारे में स्टूडेंट को पता भी नहीं है। होता क्या है कि स्टूडेंट को नहीं पता होता है तो वो 7 करियर चॉइसेस को ही चूज करता है लेकिन वो अपना 100% नहीं दे पाता। उससे आज की रेट में हमारे बर्न रेट ज्यादा है, हमारे सुसाइडल अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी लॉस ज्यादा होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा स्टार्टअप खोलेंगे जहां पे इन लोगों के पैशन को हम फुल टाइम प्रोफेशन में चेंज करें। किसी को अंपायर बनना है, अगर किसी को स्पोर्ट्स एनालिस्ट बनना है, स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनना है, बीट बॉक्सर बनना है, एस्ट्रोनॉमर बनना है, तो वो कैसे इस फील्ड में आगे बढ़े, वो क्या क्या सही चीजें करे। और इसके लिए हम सेलिब्रिटी ट्रेनर्स को लेके आते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो खुद उस चीज के, उस क्षेत्र के बहुत सुपर स्टार्स हैं, वो आके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे 21,000 स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया है और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में वो आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर आप सक्सेस रेट की बात की जाए, जहाँ पे स्टूडेंट आया और वो अंपायर बना, जहाँ पे स्टूडेंट आया वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट बना, तो ऐसे केस स्टडीज हमारे पास में 620 बच्चों ने आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपने ड्रीम करियर में फर्स्ट कदम रख दिया है। सृष्टि, तुम इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियों में तुमने काम किया है, बड़ी बड़ी MNCOs से तुम जुड़ी रही और अब अत्याधुनिक एक स्टार्टअप तुमने शुरू किया है, पर साथ ही साथ तुम जैन हो, एक महिला हो, एक गृहिणी हो, तो धर्म के प्रति तुम्हारा कितना रुझान है, क्या वक्त तुम निकाल पाती हो? मैंने 10 लक्षण करके रखा है। मैंने और समित शिखर जी की यात्रा की है। मैं अभी ही थोड़े दिन पहले ही पावपुर, कुंडलपुर, राजगृह और समित शिखर जी जाके आई हूँ। मैं एक और चीज़ जो करती हूँ वो है कि मेडिटेशन, मैं बहुत मेडिटेशन पे फोकस करती हूँ और मैं विपासना करने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारी भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? सर, हमने अभी साइमल टॉफल, जो वर्ल्ड के बेस्ट अंपायर माने जाते हैं,
उनसे रिलेटेड एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है ऑफिशिएटिंग कलेक्टिव, हमने उनके साथ में एक टाई अप किया है। हम इंडिया की जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, आरसीबी की स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, इंडियन ओलंपिक टीम की स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट संजना किरण, वो हमारे मेंटोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये हमें गाइड कर रहे हैं कि हम अपने स्टार्टअप को कैसे विश्व स्तर पर लेके जाएं। तुम्हारे पति भी काफ़ी बड़े व्यवसाय से, स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, और तुम भी इधर जुड़ी हुई हो, तुम्हारी गृहस्थी है, तो परिवार का तुमको क्या सहयोग मिलता है? सर, मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने परिवार की वजह से ही हूँ। मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है मेरे पति के लेवल पे, मेरे इन-लॉज के लेवल पे, मेरी मदर के लेवल पे, मेरी माँ, मेरी हमारे मेरे साथ पेरेंट्स यहीं रहते हैं बैंगलोर में। आज बहुत बड़ी संख्या में युवक युवतियाँ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तुम उन्हें क्या संदेश देना चाहोगी? मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगी कि टेक योर फर्स्ट स्टेप, आप पहला स्टेप लीजिए, सारी सृष्टि, सारा संसार आपके चारों तरफ मंडराएगा आपकी हेल्प करने के लिए, बट पहला स्टेप आप ही को लेना होगा। ये आपका ड्रीम है और उस ड्रीम को आपको रियलाइज करके रहना होगा, बिकॉज जिंदगी एक है, उसे वह जिंदगी बनाना होगा। बहुत बढ़िया बात तुमने कही है सृष्टि, अगर कुछ बनना है, अगर चलना है, अगर दौड़ना है, अगर मंजिल पे पहुंचना है, तो कदम तो खुद ही उठाने होंगे और पहला कदम खुद ही उठाना होगा। सृष्टि, तुम जैन रत्न का हिस्सा बनी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, स्वागत। तो दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जैन रत्नों से मिलके आपने कुछ प्रेरणा लिया होगा, कुछ सीखा होगा, और मन में यह सोचा होगा कि मैं भी एक रत्न बनूंगी या एक रत्न बनूंगा। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें जरूर बताएं। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक अपने परिवार का, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।